खबरदार, वफात से कितने दिन पहले अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं? 5 दिन पहले। खबरदार, तुमसे कबल जो लोग गुजरे वो अंबिया की कब्रों पर मस्जिदें बनाया करते थे, खबरदार तुम कब्रों पे मस्जिदें ना बनाना, मैं तुम्हें सख्ती से इस अमल से रोकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन पहले का ऐलान, तुमसे पहली उम्मत है यहूदो नसारा अंबिया अवलिया अतकिया की कब्रों पे, अंबिया की कब्रों पे मस्जिदें बनाते थे, तुम ऐसा अमल ना करना, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना करते हैं अपनी उम्मत को कि तुम ऐ उम्मत मोहम्मद किसी वली की, किसी बुजुर्ग की, किसी नेक और साले की कब्र पे मस्जिद ना बनाना। इस अमल से नबी ने अपनी जिंदगी में मना कर दिया। लेकिन अफसोस, हमारा माशरा शिर्क की उस दलदल में गिरता जा रहा है। इधर पीर मरता है, बाबा मरता है, यहूदो नसारा तो अंबिया की कब्रों पे बनाते थे। ये नुक्ता भी याद रखना, यहूदो नसारा किसकी कब्र पे बनाते थे? अंबिया की। और हम किसकी कब्र पे बनाते हैं? कोड़ेशा, कोड़ेशा कामा वाली सरकार, तितर शाह, बटेर शाह, पीर इट शाह, पीर लसूड़ी शाह, पीर फसूड़ी शाह, पीर दुड़की, दुड़की वाली सरकार, दुड़की समझते हो ना, वो अक्सर अखबार में आता है, पुलिस ने दुड़की लगा के मरवाया, पहले दुड़की लगवाई पीछे से फेर मार दिया। मेरे गांव में अब्दुल हकीम से बाहर निकलो तो वहां पर दरबार है पीर दुड़की शाह, मैंने कहा इसको किसने दुड़की लगा के मारा था? यहूद और नसारा तो फिर अंबिया को पूजते थे और अंबिया की कब्रों पे मस्जिदें बनाते थे। ये कौम ऐसे शिर्क में गिरी, लाहौर में घोड़े शाह का दरबार है, अहमदाबाद में खोते शाह का दरबार है, कहीं तोते शाह का दरबार है, कहीं लसूड़ी शाह का है, कहीं फसूड़ी शाह का है, कहीं दुड़की सरकार है, कहीं पीर चुप शाह है, कहीं पीर एट शाह है।